हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह। और जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक एग्जाम के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ सबसे पहले। और अगर आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मुझसे वो डाउट पर्सनली भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आना, मुझे फॉलो करना, कोई भी डाउट बेझिझक पूछ लेना। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और अपनी इंजीनियरिंग महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और आपके लिए बैड न्यूज़ भी चल रही है पिछले साल से। आपको जैसे कि पता है, जिन जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग स्ट्रीम चूज़ की है उनको घर पर बैठ के अपनी सब चीज़ ऑनलाइन लेक्चर हो चाहे जो चीज़ हो सब कुछ करना पड़ रहा है। मतलब उनको कॉलेज की कोई भी फैसिलिटी अवेल करने नहीं मिली पर फीस भरना पड़ा था। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसीलिए मुंबई की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज, मैं बता दे रहा हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, टू गेट 16,000 फी डिस्काउंट फॉर 2021 टू 2022। तो 2021 और 22 के स्टूडेंट को जो कि इंजीनियरिंग करने वाले हैं महाराष्ट्र, इंजीनियरिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज से, उनको 16,000 तक का फी जो है माफ़ किया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने। पर ये क्यों हो रहा है तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो लिखा है वो आपको बताता हूँ कि उदय सामंत सर जो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं हायर टेक्निकल एजुकेशन, उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने पूरे साल भर में जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उन्होंने ना लाइब्रेरी यूज़ की, ना जिम खाना यूज़ किया, और बहुत सी फैसिलिटी हो जैसे लाइब्रेरी यूज़ नहीं किया, एग्ज़ाम्स नहीं दिए, पेपर जो लगते हैं वो एग्ज़ाम के लिए वो सब कोई अवेल नहीं हुई, तो ऊपर उनसे फीस लिया गया है। तो इसीलिए उन्होंने पेरेंट का बर्डन देखते हुए उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि 16,250 रुपीज़ जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट की डिस्काउंट देने की वो करेंगे कि उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये सब फैसिलिटी अवेल नहीं किया पर उनसे फीस ली गई है। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि अगर आपकी कुछ भी फीस माफ़ हो रही है और अगर आपने वो यूज़ नहीं किया फिर भी आपसे लिया जा रहा है तो गलत है, तो माफ़ होगी, तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ये उन बच्चों के लिए, द स्टूडेंट एडमिटेड टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैव टू पे फी अदर देन ट्यूशन फीस। तो आपको ट्यूशन फीस भरनी है बस, और जो आपकी बाकी की फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि अगर आप हॉस्टल में होते तो अलग थी, वो सब आपसे ना लिया जाए। The student did not use library, gym khana and other education facility as they were not present in the college due to COVID lockdown. So they should not charge for the same. Saman said in the press statement. Okay, तो सही है, तो समझ गए ना आप, आपके पैसे माफ होंगे, यही एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।